लेकर के बड़ा हर्ष हो रहा है कि इतना बड़ा हाल आपने आज ही कर दिया, अब कहाँ से जगह आएगी। कि आपके उत्साह को देख करके लग रहा है कि अब राम जन्मभूमि बनने में कोई देर नहीं होगी। आपके उत्साह से वहाँ का ढांचा गिरा था और आपके उत्साह से मंदिर भी बनेगा। इसी तरह से हम सब लोग संगठित Yeah.
पराजी के साथ साथ हिंदी गति से चलेंगे और निर्माण के साथ नहीं उससे कोई समस्या में खड़ी हो बड़े आराम से आप पहला इंद्री राम जय 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 राम
भक्त भगवान की। श्रीमद् भागवत पुराण की, श्री अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्री स्वामी इंद्रदेव जी महाराज की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, अवध सरजू की, संत समाज की, भक्त भगवान की। नभ पार्वती पते हर हर महादेव। अब विलंब नहीं है, हमारे माननीय आज के मुख्य यजमान माननीय श्री नामदेव सेठ भगत जी, माननीय श्री गोवर्धन भाते श्री राघव सेठ भूटाल जी, इनके द्वारा श्री स्वामी जी की आरती की जा रही है। गोवर्धन परम पूजनीय संत शिरोमणि श्री अयोध्या धाम, माननीय मणिराम छावनी पीठाधीश्वर, परम पूजनीय अनंत विभूषित स्वामी श्री कमल नयन दास जी महाराज का आगमन होगा, उनके द्वारा माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित किया जाएगा। ये कार्यक्रम श्री महाराज जी के आने पर अभी जो हमारे मुख्य यजमान आज के हैं उनके द्वारा आरती के द्वारा, उसके पश्चात श्री महाराज जी के मुख से अमृतमयी कथा सुधा हम लोग श्रवण करेंगे। बोलो हनुमंत लाल की जय। अब आप लोग आरती गायन कीजिए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्त पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हर नाम यही हर ज्ञान यही, हर नाम यही हर धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है बोल, जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल, मध पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। संसार सार मुझ गेंद्र हर।
हरम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी शयितम नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ोध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायस्तनोहरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते ओम शांति शांति शांति। बोलिए क्रांतिकारी युग प्रवर्तक राष्ट्रीय संत स्वामी श्री इंद्रदेव जी महाराज की श्री राधा रानी की गोपाल कृष्ण भगवान की श्री रामचंद्र भगवान की अयोध्या धाम की जय जय श्री राधे श्याम। बैठ जाइए अपने स्थान पर। आप सभी लोग विराजमान हो जाइए जो जहां है। अभी पूज्य श्री मणिराम पीठाधीश्वर परम पूजनीय संत शिरोमणि श्री कमलनयन दास शास्त्री जी का आगमन और हमारे विक्रमादित्य महोत्सव न्यास के अध्यक्ष माननीय महंत राम मल्लभा कुंज के पूज्य अधिकारी श्री राजकुमार जी भी उनका आगमन हो रहा है। तो दीप प्रज्वलित और ये माल्यार्पण श्री महाराज जी के आगमन पर ही होगा। अभी आप लोग तब तक आप स्वयंदर जो है गीत और हमारे यजमान हैं वो महाराज जी को प्रणाम करते हुए और प्रस्थान करेंगे और सुंदर भजन सुनिए। और हमारे जो आयोजक हैं माननीय दुबे जी नागेश्वर दुबे जी ये श्री महाराज जी के सम्मान में दो शब्द कहना चाहते हैं। तो दो शब्द आदेश गुरु जी का मिल जाए तो ये कर लें। जाइए माइक पर पहुंचिए वहां और महाराज जी के चरणों में वंदन कर लीजिए। हमारे परम प्रिय शिष्य श्री नागेश्वर दुबे जी को दो मिनट के लिए गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए और अपनी ओर से वंदन कर रहे हैं माननीय दुबे जी। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरजोऽथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रवद्ये। राम रामाय भद्राय रामाय चन्द्रवेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। सिय राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जोरे जुग पाने। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम की नगरी में व्यास पीठ पर विराजमान परम पूज स्वामी इंद्रदेव जी एवं संत वृंद आज के कथा के उद्घाटन में सम्मिलित होने वाले मणिराम दास छावनी के पीठाधीश्वर एवं अन्य संत वृंद एवं इस कार्यक्रम के प्रबंधक बाबा शिवशंकर दास जी को चरणों में प्रणाम करता हूँ एवं अयोध्या वासियों के तरफ से जलगांव महाराष्ट्र बंबई बिहार मध्य प्रदेश से आए हुए समस्त भक्तों का अयोध्या के तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। श्री गुरु जी के विद्याध्ययन 9 वर्ष के उम्र में मॉरिशस में 24 देशों से वेद विषय के ऊपर भारत से श्री बालक इंद्रदेव जी चुने गए थे। मॉरिशस में गुरु जी को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था और मॉरिशस में 1 किलो सोने की राधा कृष्ण की मूर्ति भी पुरस्कार में प्राप्त हुई थी। साथ में $31 लाख का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी द्वारा राष्ट्रीय संत घोषित किया गया था। गुरुजी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती के शिष्य रहे। श्री दयानंद सरस्वती के द्वारा या उनके प्रेरणा द्वारा 11 साल तक विश्व में भ्रमण किया, कथा माध्यम इत्यादि से लोगों को सुशोभित किया।
जलगांव महाराष्ट्र में गुरुजी के गौशाला में लगभग 1100 गौ सेवा प्रतिदिन होती है और वृद्धाश्रम तथा 900 प्रकार के पुष्प इत्यादि के जो है महाराज जी के यहाँ विराज जलगांव महाराष्ट्र में वृक्ष हैं। सबसे इसके बाद विशेष प्रकार से अयोध्या एवं उत्तर प्रदेश वासियों के लिए विशेष हर्ष का विषय है कि आज प्रातःकाल श्री गुरुदेव जी एवं बाबा शंकरदास जी प्रथम हम लोग कानक भवन दर्शन होते हुए हनुमान जी का दर्शन करते हुए श्री महंत प्रातः पूज्य स्मरणीय मणिराम दास छावनी के श्री महंत नृत्यगोपाल जी द्वारा श्री गुरुदेव जी से प्रतिवर्ष नवरात्रि के समय नौ संवत्सर के समय श्री जन्म महोत्सव के समय 9 दिन के लिए उनके द्वारा गुरुजी से संकल्प कराया गया है। प्रत्येक वर्ष गुरुजी नवरात्रि के समय में अयोध्या में कथा कहेंगे, इसलिए ज़्यादा ना कह करके यह संकल्प हम लोग के लिए बहुत विशेष का हर्ष का विषय है। इसके साथ जो दूर दूर से लोग आए हुए हैं हम भूर भूर आप लोग का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। बाड़ी में जो त्रुटि होगी आप लोग से क्षमा चाहते हैं। बोली हनुमंत लाल की, वीर बजरंग बली की। श्री महाराज जी सर्व विद्या विशारद हैं, इनके बारे में कुछ बताना नहीं है क्योंकि सूरज के लिए कोई दीप देकर दिखाना नहीं पड़ता है, वो तो स्वयं में प्रकाशित है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु मायाधीश ज्ञान गुण धामु, श्री महाराज जी का मुखचंद्र ही बता रहा है कि आप कितने प्रकाशमय हैं, कितने दिव्यमय हैं। तो जितना आपका स्वरूप है वो स्वयं भगवान राम और कृष्ण से जो है आपकी शक्ति आपको प्राप्त है और उन्हीं के रूप हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप गुरु ब्रह्मा के समान हैं, आप विष्णु के समान हैं और आप शंकर के समान हैं। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी बुद्धि प्रदान करते हैं, भगवान विष्णु उस बुद्धि को पालन कराते हैं और शंकर जी दुर्गुणों को विनाश करते हैं। तो ये तीन देवता अलग अलग कार्य करते हैं लेकिन श्री गुरुदेव महाराज जी ये तीनों काम एक साथ करते हैं। बोलो सतगुरु भगवान की। गुरु की महिमा हम क्या कह सकते हैं? विश्व में कोई शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नैत नैत कह जास गुण करही निरंतर गान। इनकी महिमा वेद नहीं गा सकते हैं, पुराण नहीं गा सकते हैं, स्वयं जो ब्रह्मा हैं वो भी गुरु की महिमा नहीं बता सकते हैं। वो भी कहते हैं कि अयोध्या में आ जाएं। श्री महाराज जी को हनुमान जी ने बुलाया है। किसने बुलाया है? हनुमान जी ने ताली जोड़ की, हल्की ताली नहीं होना चाहिए। स्वयं गुरुदेव को और गुरुदेव का मंडल शिष्य मंडल भगत मंडल ये भारत वर्ष का भक्त मंडल श्री हनुमान जी महाराज ने कनक बिहारी जी ने हनुमान जी महाराज ने सरजू मैया ने स्वयं महाराज जी को बुलाया है। इनके चरणों में हम लोग नतमस्तक होते हैं, इनका वंदन करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं कि पूज्य श्री महाराज जी प्रति वर्ष हमको समय देवें, इसलिए ताली बजाइए। और ये भक्त मंडल हर वर्ष आकर के और राम कथा भागवत कथा और अभी तो पूज्य श्री महाराज जी का आदेश नहीं हुआ है, अब हमारे बीच में परम पूजनीय संत शिरोमणि मावणी मणिराम छावणी पीठाधीश्वर अनंत विभूषत स्वामी श्री कमल नयन दास जी महाराज जी हमारे सामने धीमी गति से मंच पर आ रहे हैं। मैं उनके चरणों में वंदन करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ। श्री महाराज जी को इस साइड लाइए। धीरे से मैं आँखों देखा हाल व्यक्त कर रहा हूँ। श्री महाराज जी
बहुत समय से प्रतीक्षा थे, श्री महाराज जी मंचारूढ़ हो चुके हैं और महाराज जी को बोले सदगुरु भगवान की। श्री मणिराम दास मणिराम छावनी पीठाधीश्वर पूज्य श्री महंत जी महाराज की, संत समाज की जय, भक्त भगवान की जय। अब विलंब के ही कारण कीजिए, पूज्य श्री अनंत विभूषत छावनी पीठाधीश्वर पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा बाबा शिव शंकर दास जी हमारे जो मुख्य यजमान हों, अगर वो भी एक दो हों कोई भी हों आकर के, और आकर के बाबा शिव शंकर दास जी भी सहयोग करें और जो मुख्य यजमान हो वो भी सहयोग करें। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा ये दीप प्रज्वलित कराना है, तो पूज्य श्री महाराज जी और बाबा शिव शंकर दास जी और कोई जो आपका मुख्य भगत हो वो भी सहयोग में आ सकते हैं। वो चले गए, वो चले, कोई नहीं, आप आ जाइए, बस आ गए। पूज्य श्री महाराज जी पंखा थोड़ा बंद करा दीजिए, इसका बटन भैया बंद करो, ऑन करो। आइए बाबा शिव दुबे जी महाराज जी, कर्पूर गौरम गुणावतारम संसार सारम मुजगेन्द्रारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमः नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हमारे विक्रमादित्य महोत्सव न्यास के पूज्य श्री अध्यक्ष भी आ गए हैं, वो भी दीपदान में सम्मिलित हो जाए, दीप प्रज्वलित करने में सम्मिलित हो जाए। माननीय श्री राजकुमार दास जी महाराज राम मल्लभा कुंज महाराज जी आ रहे हैं, उनको भी आ चुके। माननीय हमारे लोकप्रिय सांसद विनय कटियार जी का भी आगमन इसी मंच पर होने जा रहा है। हमारे राज्यसभा सांसद माननीय विनय कटियार लोकप्रिय नेता आ रहे हैं। हमारे कोषाध्यक्ष महंत बामन जी मंदिर वैदेवल्लभ शरण जी महाराज का भी आगमन हो रहा है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष महामंत्री सभी लोग विराजमान हैं, मैं सभी के चरणों में वंदन करता हूं। पूज्य श्री बाबा शिव शंकर दास जी माननीय श्री सदगुरु महाराज को माल्यार्पण करने के लिए शंबरुण शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठते स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा
तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विशुत्पत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमस्ते सते ते जगत्कारणाय, नमस्ते सिते सर्वलोकाश्रयाय, नमो भाम नमस्ते जगद्गुरुं श्रीरामचंद्रं नमस्ते नमस्ते। सब हाथ जोड़ के बैठे भगवान को प्रणाम वंदन कीजिए। तुम कण कण में समाए हुए और तुम में जगत समाया है, जड़ चेतन सब तेरी रचना तुमसे आश्रय पाया है। तुम दुनिया में सब प्राणी के जीवन के आधारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार। 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 Hare